उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शराब के पैसे ना देना युवक को भारी पड़ गया, जिसके चलते उसके साथियों ने युवक को जमकर पीटा। वही युवक के सर में चाकू मारकर युवक को घायल कर दिया। उसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना सुभाष नगर के तपेश्वर नाथ निवासी अरविंद कुमार पाठक ने SSP को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनके पुत्र रामबाबू पाठक का सुभाष नगर के तपेश्वर नाथ निवासी हनी ठाकुर, सुमित और अंकित के साथ उठना बैठना था, अरविंद कुमार का आरोप है। इस बीच अंकित ने उनके बेटे रामबाबू से शराब पीने के लिए रुपए मांगे। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार पाठक। कहाँ के रहने वाले हैं? निकट तपसर नाथ मंदिर सुभाष नगर बरेली। क्या मामला है आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ में पहले क्या कहते हैं उठना बैठना था स्कूल में अंकित कश्यप से। अंकित कश्यप ने किसी के लिए पैसे मांगे उससे कि मुझे दारू पिलवा दे। अच्छा। उसने कह दिया मैं दाना पीता हूँ ना पिलाता हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा। अंकित ने पिए हुए था, उसने मेरे बेटे का झापड़ मारा। मेरे बेटे के जब झापड़ मारा उसके बाद में फिर मेरे बेटे भी थोड़ा तेज हो गया। उसके बाद में हनी ठाकुर ने पीछे से चाकू का वार कर दिया, दो कड़े मारे और तीसरे चाकू गया टूट बेहोशी हालत में। वो सिर में चाकू मारा जैसे वो चाकू। किसने मारा? हनी ठाकुर ने। कब की बात है ये? 23 तारीख को गए की बात है। शाम की बात है? रात के 9:30 बजे। पुलिस से शिकायत करी आपने? पुलिस में शिकायत करी, मैंने कंप्लेंट करी। अच्छा। मिशन हॉस्पिटल में दरोगा जी गए थे उस समय, लड़का मेरा उस पे था ICU में। अच्छा। अब कहाँ भर्ती है? अब मिशन में है सर। अच्छा। और फिर वो डिस्ट्रिक्ट से ही मेरी रिपोर्ट बन चुकी। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट भी ले गए थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आज और कल कर रहे हैं। और यही कह देते हैं कि हम उनकी वो कर रहे हैं, लोकेशन ले रहे हैं, वो भाग गए हैं, ये कर गए हैं। क्या लोग हैं जो मारने वाले? मारने वाले 3 जने हैं। क्या नाम है? पहला नाम है जिससे रंजिश थी वो था नाम अंकित कश्यप, और दूसरा है सुमित, और सुमित कश्यप, तीसरा है ये हनी ठाकुर नाम से है जिसने चाकू मारा ये हनी ठाकुर। आज कप्तान साहब से मिलने आए जी?